पर जो आपके अपोजिट कैंडिडेट हैं काफ़ी आजकल वो भी हल्ला काफ़ी ज़्यादा जोरों शोरों से है, तो मैम कहीं थोड़ी घबराहट है? ये तो चूहे बिल्लियाँ ये बिल में छुपती रहती हैं, चलते रहती हैं, तो मौसमी जब बारिश आई तो बाहर निकल जाना। एनसी के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने भाजपा का दामन थामा है, हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं। गांधी टू टंगर वाया बरनाल, और वो रोड भी हमसे चेंज कर, वो भी अभी आधे रास्ते पड़ा हुआ, ना वो टंगर पहुँचा और ना वो बरनाल। आज भी हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल खंड मिठे लोग। तो दर्शकों, इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक गांधी के पंचायत गांधी में। तो आपको पता ही है लोकसभा चुनाव जो है अब सर पे है, तो पार्टियों की तैयारियां भी काफ़ी ज़ोरों शोरों से है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। तो उसी को लेके जो है आज ब्लॉक गांधी में जो है भाजपा के कुछ वर्कर्स इनकी मीटिंग थी, और इसमें जो है काफ़ी लोगों ने न्यू लोगों ने जो है यहाँ पे भाजपा ज्वाइन भी की है। तो उसी को लेकर आज हम खास बातचीत करेंगे इन लोगों से। आप देख पा रहे हैं कि भाजपा जो है इन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, तो इनसे हम खास बातचीत करेंगे। साथ मौजूद है भाजपा के सीनियर लीडर मिस्टर श्याम सिंह कटोच जी। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल खंड मीटर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें मौका दिया इस आपके चैनल पे बोलने का। जी सर, तो आप हमें बताएं कि आज जो है ब्लॉक गांधी में आप यहाँ पे आए, तो क्या खास था, कुछ बताएं कि क्या हुआ? हाँ, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली हम जब से नॉमिनेशन फाइल हुई ना, तो हर रोज़ कहीं ना कहीं किसी ब्लॉक हेडक्वार्टर पे या किसी पंचायत हेडक्वार्टर पे जाते हैं, और अपने जो वर्कर्स हैं या उसके अलावा कुछ लोग जो चयन करना चाहते हैं उनके साथ हमारी इंटरेक्शन होती है। और आज यहाँ बहुत अच्छा रहा कि यहाँ पर लगभग 70-80 लोगों ने ज्वाइन किया भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। हमें बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ी खुशी हुई कि वो लोग जो खुद कह रहे थे कि आज तक हमें गुमराह किया जाता था। तो आइए उनसे जानेंगे क्या है। सर, आप आज हमें बताइए कि ब्लॉक गांधी में आए आप, क्या देखा आपने यहाँ पे? सबसे पहले तो मैं एक और प्रश्न आपसे करूँगा कि जब आप यहाँ पे आए तो यहाँ के रोड्स की हालत, यहाँ की कंडीशन आपने देखी होगी बखूबी। चुनाव सर पे हैं, जाहिर सी बात है सब पार्टियाँ यहाँ पे आएगी, लेकिन क्या आज आपने यहाँ देखा, जनता को बताइए। यहाँ पे धन्यवाद करता हूँ तौसीफ जी आपका। मैं यहाँ पे जब हम गांधी में आए, तो पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ इस गांधी जो पंचायत है, इन यहाँ पे जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, जहाँ यहाँ पे जो भी वोटर्स हैं जो हमें 2 किलोमीटर आगे हमारा वेलकम करने के लिए आए। और यहाँ पे थोड़ा सा रास्ते में दिक्कत है, वहाँ पे काम लगा हुआ है अच्छे से, वहाँ पे रोज़ मरम्मत हो रही है, क्योंकि एक पहाड़ी है जो पूरी चल रही है, इसमें कोई वो कोताही नहीं बरती जा रही है, अच्छे से उसको देख रेख हो रही है। पहले कुछ दिन चिंता रही थी। और बाकी यहाँ पर मैं आज जहाँ पे हम गांधी में आए हुए थे, यहाँ पे 70 से लेके 80 के बीच में एनसी के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने भाजपा का दामन थामा है, हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं। और वो जब उन्होंने अपनी बात रखी, तो उन्होंने कहा कि हम मोदी सरकार की जो स्कीमें हैं उनसे खुश हो के वो स्कीमें हम तक पहुंच रही हैं, इसलिए हम भाजपा का दामन थामना चाहते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ मौजूद है रेणुका कटोच जी, जो कि DDC मेंबर है रामबन बी से, तो उसके बाद जो है महिला मोर्चा की ये प्रधान भी हैं। तो आइए इनसे हम जानेंगे। मैम, गांधी में आए आप, कैसा लगा सबसे पहले जनता को? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करती हूँ, आप आए। गांधी हम आगे पीछे भी आते, ऐसा ही नहीं है कि आज हम आए, हम पहले भी आते रहते हैं, हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। जी तो मैम, इस बार बताइए कि कितने बार? इस बार जी देखिए, हमारे माननीय मोदी जी का ही एक नारा है कि 400 पार, और जो हमारी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसका 4 लाख पार। तो हम एक दृढ़ निश्चय किया हुआ है, और हमें लगता है कि हम 400 से ज़्यादा ही लेंगे इसमें, इस बार 4 लाख से ज़्यादा ही पार। जी मैम, तो इस बार जो आपके अपोजिट कैंडिडेट हैं काफ़ी आजकल वो भी हल्ला काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों शोरों से है, तो मैम कहीं थोड़ी घबराहट है? देखिए, भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो हमारे इसके जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो विश्व के मतलब विश्वभर में लोकप्रिय हमारे नेता है, तो मुझे नहीं लगता है कि भाजपा को कोई भी डर होगा। ये तो चूहे बिल्लियाँ ये बिल में छुपती रहती हैं, चलते रहती हैं, तो मौसमी जब बारिश आई तो बाहर निकल जाना। भाजपा एक ऐसी पार्टी है वो ग्राउंड से जुड़ी हुई है। भाजपा आपको सिर्फ ही इलेक्शन में ही नहीं दिखेगी, भाजपा हमेशा ग्राउंड में होती है और ग्रास रूट लेवल से जुड़ी हुई है और लोगों के साथ, और हमेशा ग्राउंड में काम करती है। यहाँ पे मेंबर्स थे जो लोग थे उन्होंने भाजपा का दामन थामा है, तो सर क्या लगता है कि इस बार जिस तरह से
पहले था जितेंद्र सिंह जी, कोई बदलाव होगा या वही रहेंगे भारी से जीतेंगे? तो बताइए सर कुछ अपने। देखिए इसमें तो बोलने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह से इस बार लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं इसमें तो आप देख ही रहेंगे, हर जगह से है, जो कि डिस्ट्रिक्ट में दिन में 100-150 प्रोग्राम हो रहे हैं और जिसमें 100-150 लोग जो एक एक जगह पे ज्वाइनिंग कर रहे हैं, इसमें तो आपको लग ही रहा होगा कि 4 लाख पार जाएंगे या 5 लाख या 7 लाख पार जाएंगे। इसमें हमें कोई बोलने में संकोच नहीं रहता है, हम इसमें खुले दिल से कहते हैं कि इस बार हम बहुत जो है कि हम आगे जाएंगे। जी हमारे साथ जो है आज जिन्होंने भाजपा का दामन थामा है, आइए उनसे ही जानते हैं कैसा रहा जो है ये आज की जो आपने ज्वाइनिंग की है, कैसा फील कर रहे हैं? हम इस चीज़ से बहुत खुश हैं क्योंकि हमें ज़मीनी सतह पे किसी ने उठाया है ज़मीन से, जिसे हम बखूबी बहुत खुश हैं कि हमें लगा कि आज कोई पार्टी है जिससे जिसे किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो वहाँ पे हमारा मुश्किलात का सामना करने पहुँचे, तो हमें बहुत खुश हुआ, हम बहुत खुश हुए, हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो ज़मीनी सतह पर काम कर रही है। तो मुख्तियार अहमद जी हमारे साथ, इन्होंने भी आज ही अभी जो है भाजपा का दामन थामा एक साल पहले से। मुख्तियार जी आप बताइए कि आपने भाजपा में एक साल बिताया है तो जाहिर सी बात है दूसरी पार्टीज को भी सुना, इसमें और इसमें क्या फ़र्क? थैंक्स फॉर इंटरव्यू। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मुझे भाजपा से काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला है। एक तो हमारे जो इशू थे, हम जब भी मतलब भाजपा में आए हैं उसके बाद जो इशू हमारा है, हम कॉल करते हैं, इनके पास जाते हैं तो ये हमसे मिलते हैं। इनसे पहले जो हमारी NCPDP या कांग्रेस थे, उनके ठेकेदार लोग थे हमारे इस पंचायत गांधरी में, वो हमें किसी भी स्टेज पर बात करने का मौका नहीं देते थे, हमारा जो काम इशू होता था वो नहीं सुनने देते थे। लेकिन शुक्रिया है बीजेपी का कि बीजेपी से हमें जो भी हमारे इशू प्रॉब्लम थे हम कॉल करते हैं, जैसे हमारी पसी डैमेज हुई थी उस टाइम मैंने बीजेपी से फ़ोन किया और वहाँ से DC का कॉन्टैक्ट नंबर लिया, DC डिप्टी कमिश्नर साहब से मैंने बात की कि हमारा रोड डैमेज है, और DC साहब उसी दूसरे दिन नेक्स्ट आए और नाइट को 8 बजे तक रहे और उन्होंने रोड को फौरन कंप्लीट कर लिया। इसलिए भाजपा का शुक्रगुजार है। थैंक्स फॉर थैंक यू भैया। तो हमारे साथ मौजूद हैं यहीं के जो स्थानीय निवासी हैं जिन्होंने आज ही भाजपा का दामन थामा है, श्री बजरदीन जी। बजरदीन जी आप नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी पहले रहे, तो क्यों दामन छोड़ा? शुक्रिया तोसी भाई, आज हमने ये फैसला कर रखा है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, हमने तकरीबन 50 साल से हम वोट उनको देते आए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को, लेकिन 50 साल से हमें कुछ दिखने में नहीं आए, जो भी वादे किए गए तो खोखले वादे किए गए, ना कि कोई ज़मीनी सतह पर हमारा काम हुआ। तो आज हमने एक अंदाज़ा लगाया कि जो भी काम हुआ वो इन 10 सालों में ही हुआ तकरीबन, और ये है कि जो भी वादे हमारे साथ जब भी इलेक्शन का टाइम होता तो वादे बहुत बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, मगर जब ग्राउंड लेवल पर देखा जाता तो बिल्कुल ज़ीरो। आपके सामने ही देखा गया पिछले साल 1 किलोमीटर रोड हमें दिया गया था डिस्ट्रिक्ट प्लान के तहत। हेलो, और महीने के अंदर वो रोड सर उसका नाम बताया कौन, गांधी टू टंगर वाया बरनाल, और वो रोड भी हमसे चेंज कर वो भी अभी आधे रास्ते पड़ा हुआ, ना वो टंगर पहुँचा और ना वो बरनाल। आज भी आप देख रहे हैं कि आप भी शायद यहाँ के रिहायशी हैं, तो इसी वजह से हमने सोच लिया कि ये बीजेपी पार्टी जो ऐसी पार्टी है ये जो बात करती है वो करके दिखाती है, उसी बिना पे हम आज जो है हमने बीजेपी का दामन थामा। और यानी कि आपको जो है विकास जो डेवलपमेंट है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में होने के समय नहीं मिली, आपका यही आरोप है, तो इसीलिए आपने जो है आज भाजपा ज्वाइन की, खास करके एक रोड मैं पहले ही बताता रहता हूँ जो गांधरी टंगर बाय बरनाल है, उस रोड को लेके जो है इन लोगों में काफ़ी नाराज़गी है, जिसके कारण इन्होंने जो है आज भाजपा का दामन थामा है और काफ़ी कॉन्फिडेंस दिख रहा है इनमें। हर वर्ग के लोग यहाँ पे हैं, जिसमें बुजुर्ग जवान सब यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। तो देखा आपने आज जो है भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ पे आए थे, तो वार्ड नंबर 2 बरनाल से है, मैक्सिमम 60 से 70 लोगों ने जो है भाजपा का दामन थामा है। तो अब देखने वाली बात यह है कि क्या एक बार फिर से जो यहाँ पे उधमपुर डोडा कठुआ सीट है वहाँ पे कमल खिलेगा या फिर हाथ की बारी आएगी। जोश व खरोश तो दोनों पार्टियों में है। तो फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।